क्या एक बालक के प्राणों की बलि सहन कर सकेंगे आप? क्या नंदिनी के पुत्र का वध होते देख पाएंगे आप? मैं अपना गणेश रूप चिंतामणि उस दुष्ट राजा को नहीं दे सकता था। आप किसी भी प्रकार से स्वयं को असहाय न समझें। तो इसका ये अर्थ हुआ स्वामी कि दुष्ट गणराज अत्याचार करता रहेगा और समस्त देवगण मौन होकर देखते रहेंगे। भारी मन से मृत प्राय तन से नैन में अश्रु लिए, नैन में अश्रु लिए, ईश को अपने दुराचारी को सौंपने ऋषिवर चले, सौंपने ऋषिवर चले। भारी मन से मृत प्राय तन से कैसी विवशता, कैसी परीक्षा, कैसी ये लाचारी, मोह माया ममता के आगे ईश की भक्ति हारी। बन गया जीवन सोना मर घट, मृत्यु हाथ मले, मृत्यु हाथ मले। भारी मन से मृत प्राय तन से सेनापति, देखा हमारे बुद्धि का चमत्कार? वो देख। चिंतामणि के रूप में हर पल जिस प्रथमेश को ध्याया, एक अन्यायी नृप ने उसको छल बल से हथियाया। बैरी विधना ऐसी भी ना कोई किसी को छले, कोई किसी को छले। भारी मन से मृत प्राय तन से। महर्षि कपिल, आपको तो यहां आना ही था और चिंतामणि भी साथ लाएंगे। इतने क्रोधित क्यों हैं? मार्ग में कोई संकट आया? सेनापति, इन्हें आसन दीजिए, बहुत दूर से आए हैं, थक गए। मैं यहां विश्राम करने नहीं आया राजन, मैं यहां विश्राम करके पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता। किंतु आप तो यहां आ ही गए महर्षि। मैं अपने पुत्र के लिए यहां आया हूं,
पुत्र मोह के लिए नहीं किंतु भार्या मोह के लिए अवश्य आना पड़ता। आपके पुत्र के बाद आपकी भार्या नंदिनी की ही बारी थी। भला वैसे भी कोई अपने पुत्र का मृत शरीर कैसे देख सकता। शांत राजन। मुझे आपकी बातों में कोई रुचि नहीं है। आपको चिंतामणि चाहिए ना, मैं ले आया हूं। मेरा पुत्र कहां है? अधीर न हो महर्षि, अधीर न हो। आप बहुत दूर से चल के आए, जलपान कीजिए, विश्राम कीजिए, बहुत थक गए होंगे। आप निसंकोच विश्राम कर सकते हैं। आपका पुत्र हमारे पास सुरक्षित है। प्रपंच बंद करो राजन। कहां छुपा रखा है मेरे पुत्र को? पुत्र के दर्शन तो तभी होंगे महर्षि। जब चिंतामणि हमारे हाथों में होगा। चिंतामणि मैं ले आया हूं, किंतु इसको आपके हाथों देते हुए मुझे लज्जा आती है। फिर भी इनके कहने से मैं यहां तक आ गया। इन्हें पवित्र आसन दीजिए। पवित्रता के लिए ही तो चिंतामणि को इस राजमहल में मंगवाया है। पहले इन रेशमी वस्त्रों को हटाइए, हमें आप पे विश्वास नहीं। एक तरफ है प्रभु की भक्ति, दूजी तरफ है पुत्र आसक्ति। मुक्ति संग है मोह का बंधन, किसको करे ये मन समर्पण। विकट दुविधा विचार, हे जग के सृजनहार, हे जग के सृजनहार। जिस व्यक्ति ने स्वयं विश्वासघात किया, वो व्यक्ति अगर विश्वास की बात करे तो उचित नहीं लगता राजन। मुझे आप पर तनिक भी विश्वास नहीं है। आप पहले मेरा पुत्र मेरे सामने लाए। अब तो आपको चिंतामणि देना ही होगा महर्षि। यदि हम चाहें तो आपकी जीवन लीला अभी समाप्त कर सकते हैं और चिंतामणि और आपके पुत्र को बंदी बना सकते हैं। किंतु हम ऐसे करेंगे नहीं। हमारी भी कुछ नीतियां हैं, वो देखिए। आ गया आपका पुत्र। छोड़ दो मेरे पुत्र को। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो। पिताश्री मुझे बचाइए, मुझे बचाइए पिताश्री, छोड़ दो मुझे। राजन, मैं आपको आज से चिंतामणि सौंपता हूँ।
ये आपकी सब मनोकामना पूरी करेगी। मेरे पुत्र को छोड़ दो, मेरे पुत्र को छोड़ दो। दो बालक को, हमारा कार्य संपूर्ण हुआ। पिताश्री, देख रही है देवी? हाँ स्वामी, पिता और पुत्र का ये मिलन हम कदापि नहीं भूल सकते। आज कितनी प्रसन्न होगी वो माँ जिसका पुत्र एक दुरात्मा के बंधन से मुक्त होकर उसके पास लौट रहा है। दुख के पश्चात ही सुख की सच्ची अनुभूति होती है देवी, और ये सुखद है कि महर्षि और उनकी भार्या ने अंतिम क्षण तक पुत्र गणेश के प्रति अपनी आस्था बनाए रखी। स्वामी, मैंने दुर्गा रूप में महर्षि की श्रद्धा देखी है। उन्होंने तो प्रण कर लिया था कि वो चिंतामणि को उस दुष्ट के हाथों में कदापि नहीं सौंपेंगे। और उनकी भार्या ने भी तो ये मान लिया था कि अपने पुत्र के बदले चिंतामणि को कदापि नहीं देंगी। क्या सोच रही हैं देवी? स्वामी, क्या बीती होगी उस माँ पर जहाँ एक ओर उसकी ममता की बलि चढ़ने वाली थी और दूसरी ओर उसे अपने आराध्य की चिंता थी। संकट की ऐसी स्थिति में ही तो सत्य की पहचान होती है देवी। किंतु स्वामी, अब चिंतामणि का क्या होगा? क्या वो गणराज का बंदी हो जाएगा? चिंतामणि का यही बंधन तो राजा के अंत का कारण बनने जा रहा है देवी। अब आप पुत्र गणेश की लीला तो देखिए। राज की जय हो राजन। चिंतामणि हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। इन्हें हमें प्रसन्न करना चाहिए। कैसी मूर्खता वाली बातें करते हो सेनापति। चिंतामणि हमें प्रसन्न करेंगे या हम चिंतामणि? वे तो स्वयं सच्चिदानंद हैं। वो स्वयं आनंद की वर्षा करते हैं, जहां रहते हैं उनकी कृपा की बरसात होती है। हमें चिंतामणि को प्रसन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं। महाराज, महल में चिंतामणि का स्वागत करना ही होगा। स्थान परिवर्तन हुआ है, ये स्थान इन्हें स्वीकार भी तो होना चाहिए। क्या चाहते हैं आप लोग? चिंतामणि का पूजन, चिंतामणि का राज्य में भव्य पूजन होना चाहिए महाराज। ठीक है, जैसा आप लोग चाहते हैं वैसा अवश्य हो। महाराज गणराज की जय! महाराज गणराज की जय! महाराज गणराज की जय! विकटाय महागणेश। महिमा तुम्हारी हम गा पाए, देव कहां से शब्द बुलाए। देवेश्वराय महाबलाय महागणेश, महाविकटाय महागणे। महिमा तुम्हारी
शब्द बुलाए विश्वराय महाबलाय महागणे विश्वमुखाय महाविक्ताय महागणे आदि अंत आरंभ तुम्ही हो तुम्ही समय हो दाता कुल सृष्टि का सर्जन करते तुम प्रलय हो दाता काल चक्र की ताल है तुमसे तुम सुर लय हो दाता आप तो धन्य हो गए चिंतामणि। आपको भी कहां गया था कि राजमहल में आपका इतना भव्य स्वागत है। उस छोटी सी कुटिया में कितना कष्ट हुआ होगा आपको। राजमहल तो राजमहल होता, अब आप यहां पर सुख पूर्वक निवास कीजिए और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करते रहे। ये क्या महाराज, चिंतामणि को क्या हुआ? इनकी चमक अचानक कहां हो गई? हाँ, ये शुभ नहीं है। हमने चिंतामणि के उस चमत्कारी स्वरूप को देखा जो मनोकामना पूर्ण करता है, जिसका प्रकाश लगातार बढ़ता रहता है, परंतु न जाने क्या हो। महाराज, लगता है उस महर्षि ने हमारे साथ छल किया है। कैसा छल? महाराज, ये भी तो हो सकता है कि वो चिंतामणि का प्रतिरूप हमें दे गया और मूल चिंतामणि अपने पास ही रख लिया। यदि महर्षि ने ऐसा किया है तो उन्होंने अपनी मृत्यु का आयोजन किया है, अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है। महर्षि कपिल के साथ साथ उनकी भार्या और उनके पुत्र का भी अंत होगा। महाराज, हमें अभी उस महर्षि के आश्रम चलना चाहिए और उसको उचित दंड देना चाहिए। नहीं सिर, बिना सत्य जाने हम कहीं नहीं जाएंगे। महर्षि कपिल में इतना साहस है कि वो हमारे साथ छल कर सके। वो जानबूझकर अपनी मृत्यु को आमंत्रित नहीं करेंगे। भला क्यों चाहेंगे वो अपना सर्वनाश? किंतु महाराज, चिंतामणि की सच्चाई का पता लगाना ही होगा। चिंतामणि, कामना पूरी करते हैं, जो मांगो वो प्रदान करते हैं। यदि इन्होंने हमारी मनोकामना पूर्ण कर तो हम समझ जाएंगे कि यही मूल चिंतामणि है। और महर्षि हमारे साथ कोई छल नहीं किया। यदि आप मूल चिंतामणि हैं तो हम आपकी पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे। अन्यथा अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ, अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ, अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ, अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। भगवान गणेश की कृपा से कोई भी कष्ट नहीं हुआ है मुझे। मुझे तो सदैव यही लगता था कि श्री गणेश सदैव मेरे साथ है और उनकी उपस्थिति सदैव प्रतीत होती थी। हमें सब याद, संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो कदमपुरी नरेश गणराज को इतना विवश कर सके। इंद्रलोक पर केवल मेरा अधिकार है, कोई इसे छू भी नहीं सकता है।
कोई नहीं, कोई नहीं। गणेश लीला।